फिनलैंड के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए 34 वर्षीय पूर्व परिवहन मंत्री सना मरीन को चुना। इसी के साथ वह देश के इतिहास में सबसे बड़ी युवा प्रधानमंत्री बन गई है। मरीन ने रविवार को हुआ मतदान जीतकर निवर्तमान नेता एंटी रीने का स्थान लिया, जिन्होंने डाक हड़ताल से निपटने को लेकर गठबंधन सहयोगी सेंटर पार्टी का विश्वास खोने के बाद मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। मरीन ने पत्रकारों से कहा कि हमें फिर से विश्वास बहाल करने के लिए काफी काम करना होगा। अपनी उम्र से संबंधित सवालों पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपनी उम्र या महिला होने के बारे में नहीं सोचा। मैं कुछ वजहों से राजनीति में आई और इन चीजों के लिए हमने मतदाताओं का विश्वास जीता। दरअसल 27 साल की उम्र में ही मरीन ने राजनीति में कदम रख लिया था और उसी समय से तेजी से वृद्धि की दुनिया में सबसे कम उम्र की पीएम फिनलैंड के सबसे बड़े समाचार पत्र हेलसिंगिंग सनोमेट और हल्ता सनोमेट के अनुसार मरीन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई है। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डेन 39 साल, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारो 35 साल और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी 35 साल के हैं। लॉमेकर्स के मरीन और उनकी नई सरकार की नियुक्ति को जल्द ही मंजूरी देने की संभावना है ताकि वह ब्रसेल्स में 12-13 यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन में फिनलैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको बता दें कि फिनलैंड इन दिनों राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। इसकी शुरुआत डाक कर्मचारियों की हड़ताल से हुई जो 27 नवंबर को समाप्त हो गई। दरअसल 700 डाक कर्मचारियों की मजदूरी में कमेटी की योजना पर कई हफ्तों के राजनीतिक संकट के बाद रीने ने पद छोड़ दिया था। लोगों का कहना है कि हड़ताल के दौरान निष्क्रियता के कारण साउलिन निस्तो ने अपना विश्वास खो दिया। हालांकि फिनलैंड की डाक सेवा ने नवंबर में व्यापक हड़ताल के बाद मजदूरी में कटौती की योजना को वापस ले लिया था। सना मरीन का जन्म 16 नवंबर 1985 को फिनलैंड में हुआ था। वह 2015 में फिनलैंड की संसद का सदस्य और 6 जून 2019 में परिवहन और संचार मंत्री हैं। जहां तक उनकी शिक्षा का सवाल है तो उन्होंने 2012 में प्रशासनिक विज्ञान में टेम्पियर विश्वविद्यालय में स्नातक किया। 2012 में उन्हें टेम्पियर की नगर परिषद के लिए चुना गया। वह 2013 से 2017 तक सिटी काउंसिल की चेयरपर्सन थी। 2017 में उन्हें सिटी काउंसिल में फिर से चुना गया। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मरीन समान लिंग वाले पार्टनर की संतान है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।